किचन शेयरिंग में आपको वेलकम खुशामदीद। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुदा के फजल से, खुदा करम से, तमाम होंगे से। आज शेयर किचन में जबरदस्त किस्म के हम बना रहे हैं पकौड़े पालक के पत्तों के। तो बनाते हैं खुदा हमको खूबसूरत बरकत नाम से। पालक के जो पत्ते हैं उनके हम पकौड़े बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे खाने के 3 चम्मच भर भर ऐड करूंगी चिली पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट है मेरे पास 1/2 पीस है। धनिया सूखा हुआ इसको मैंने भून के पीस लिया था, मोटा मोटा साबुत नहीं है, तो अभी ये डालेंगे 1/2 टीस्पून। और इसको थोड़ा सा पानी के साथ हम इसका लिक्विड बना लेंगे। तो पालक का एक एक हम पत्ता पकड़ेंगे और इसके ऊपर जो है अच्छे से कोटिंग करेंगे और फिर इसको हम करेंगे जी फ्राई। पालक के पत्तों को अच्छे से मैंने जो है बेसन से डिप कर दिया है, ये अच्छे से बेसन इसके ऊपर लग चुका है। अभी एक एक पत्ता उठाएंगे और इसको हम फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में डाल देंगे। क्रिस्पी से क्रंची से बनते हैं, जब भी आपने सर्व करने हैं उसी टाइम आप इसको फ्राई करें, बना के आप मसाला वगैरह इसका रख लें, मगर फ्राई आप उसी टाइम करें जब आपने सर्व करने हैं, वरना ये सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर जब सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो इतने मज़े के नहीं लगते, ये क्रंची से क्रिस्पी से अच्छे लगते हैं। तो फिर हमारे पकौड़े जो हैं फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे और जो है वो अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है आपने। पकौड़े अगर आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू। ओके जी, गॉड ब्लेस यू।